वेलकम टू टेक गुरुकुल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसओपी फॉर्म से पॉस फॉर्म में कन्वर्जन किया था। एसओपी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट्स, पीओएस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम्स। इस लेक्चर में हम उसका अपोजिट पॉस फॉर्म टू सॉप फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे। इससे पहले जो वीडियोस हमने की हैं, जैसे बूलियन अलजेब्रा, एसओपी फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट्स या पॉस फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ये सारे की सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको आगे के लेक्चर्स को समझने के लिए। इसलिए इन सारी वीडियोस को आप शुरू से आखिर तक अच्छी तरह देखें। ये बहुत बेसिक वीडियोस हैं जो हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के डिजाइनिंग के लिए। इन सभी वीडियोस के लिंक्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो इन वीडियोस को आप शुरू से आखिर तक देखें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम कुछ रिकॉल करते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने किया है। ये एसओपी फॉर्म के लिए रिप्रेजेंटेशन है, एसओपी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट्स, जो हमने पहले किया है। यदि ए की वैल्यू जीरो है तो उसको हम ए बार से लिखेंगे, यदि ए की वैल्यू वन है तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे एसओपी फॉर्म के अंदर। पॉस फॉर्म में उसका अपोजिट है, यदि ए की वैल्यू जीरो है तो उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ए की वैल्यू वन है तो उसको ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बूलियन अलजेब्रा में भी ये की है। ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं तीन प्रोडक्ट वेरिएबल्स का, जो इक्वल टू रहेगा इंडिविजुअल, यहां पर कॉम्प्लीमेंट आएगा और इनके बीच का जो निशान है, जो ऑपरेटर है, वो चेंज हो जाएगा। यहां पर एंडिंग है या मल्टीप्लीकेशन है तो वो ऑरिंग या प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका अपोजिट भी ट्रू है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम को। तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा उसी तरह से, और बीच का जो ऑपरेटर है, जो उसका साइन है, जैसे प्लस है यहां पर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप यू कह सकते हैं कि वो और ऑपरेटर है तो एंड ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज हम करेंगे, और उसके बाद ये बूलियन अलजेब्रा में हमने किए हैं, ए डबल कॉम्प्लीमेंट है तो वो सिंपल वेरिएबल के इक्वल रहेगा। ये यहां पर एक टेबुलर फॉर्म है, इसमें तीन वेरिएबल हैं ए बी और सी। हमें पता है कि जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो हम डिफाइन करते हैं 2^n की वैल्यू से। n जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, इफ वेरिएबल्स आर 3 सो द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी 8। सो 0 से लेके 7 तक हमने यहां पर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिए हैं। उसके बाद ये यहां पर स्मॉल एम आई जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिन टर्म्स के लिए है, ये कैपिटल एम आई जो है दिस इज मेंट फॉर मैक्स टर्म्स। जो पॉस फॉर्म के अंदर टर्म्स हैं, जैसे ये पॉस फॉर्म है, इन टर्म्स को हम मैक्स टर्म्स बोलते हैं, और इसी तरह से जब एसओपी फॉर्म में जो टर्म्स हैं उनको हम मिन टर्म्स कहते हैं। अब ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमने वहां पे किया है कि तीनों वेरिएबल जब जीरो जीरो है तो हम ए बार बी बार सी बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एम जीरो को शो करेगा। ये जीरो जो है वो डेसिमल इक्विवेलेंट है, ये यहां पर डेसिमल इक्विवेलेंट दे रखे हैं 0 से 7 तक। सो ये m 0 का रिप्रेजेंटेशन रहेगा इस तरह से, और यदि हम मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये a प्लस बी प्लस सी हम इस तरह से लिखेंगे, जो उसका अपोजिट है, जो उसका उल्टा है। इसी तरह से हमने सारे के सारे मैक्स टर्म्स रिप्रेजेंट कर रखी है m 0 से लेके m 7 तक, और ये मिन टर्म्स की रिप्रेजेंटेशन जो हमने प्रीवियस वीडियोज में भी बहुत अच्छी तरह की है। अब ये कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यदि इस एक्सप्रेशन को हम चेक करें तो ये लॉजिकल ऑपरेशन पॉस फॉर्म के अंदर है। इसको पॉस फॉर्म क्यों कहेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी सम्स की प्रोडक्ट्स है ये, इसलिए इसको पॉस फॉर्म बोलते हैं कि ये पॉस फॉर्म के अंदर ये एक्सप्रेशन है। अब इस पॉस फॉर्म से हम पाई एम की फॉर्म में इसको लिखेंगे, हम इसके मैक्स टर्म्स के इक्विवेलेंट लिखेंगे। जैसे ए है यहां पर, तो ए सिंपल ए हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के लिए। तो यहां पर इट मींस कि ये जीरो है, सेकंड वेरिएबल भी जीरो है और थर्ड वेरिएबल भी जीरो है, तो ये इस तरह की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये ए प्लस बी प्लस सी लिखा गया है। उसके बाद जब हम देखें तो ये ए जीरो के लिए लिखा गया है, बी जीरो के लिए, और सी कॉम्प्लीमेंट है, तो हमें पता है कि पॉस फॉर्म में जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो यहां पर सी कॉम्प्लीमेंट है तो ये वन आएगा यहां पर, क्योंकि वन की रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लीमेंट है, तो ये नंबर है यहां पर। इसी तरह से जब इसको हम चेक करेंगे, ये ए कोई जीरो है,
ये b बार 1 के लिए है और ये c 0 के लिए है इस तरह से। अब यहां पर हम देखें तो ये क्या है, यहां पर a बार है, a बार किसके लिए है, यहां पर a बार 1 के लिए है यहां पर, तो ये 1 रहेगा और b 0 रहेगा और ये 1 रहेगा यहां पर। तो इनका हम इक्विवेलेंट यदि टर्म हम चेक करें यहां पर इस टेबल के अकॉर्डिंगली, यदि ये टेबल भी हमें आईडिया नहीं है तो यहां पर जैसे तीनों जीरो है, इट मींस के जीरो का इक्विवेलेंट है, तो ये टर्म यहां पर दिस इज m0, कैपिटल m0 स्टैंड्स फॉर मैक्स टर्म्स और ये पॉस फॉर्म है तो इसके लिए मैक्स टर्म्स हम लिखेंगे। यहां पर ये 1 का इक्विवेलेंट है तो ये m1 आएगा, ये उसके बाद 2 का इक्विवेलेंट है तो ये m2 आएगा, देन ये 5 का इक्विवेलेंट है तो ये m5 आएगा। ये बाइनरी नंबर्स हैं जिनका हम डेसिमल इक्विवेलेंट यहां पर लिख रहे हैं। अब इसको हम यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई m 0 1 2 एंड 5। सो ये पॉस फॉर्म है f a b c। अब इसको SOP फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर जैसे कॉम्प्लीमेंट करना है इसका, तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे यहां पर एफ ए बी सी का। इसका कॉम्प्लीमेंट मींस कि यहां पर जो इसकी टर्म्स हैं, ये जैसे पॉस फॉर्म हम लिखते हैं किसके लिए, जीरोस के लिए, इसके अलावा जो बचा हुआ है जीरो वन टू, देन यहां पर क्या है जैसे थ्री वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल मींस कि जीरो से लेके 7 तक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, तो 0 1 2 यहां पर क्या बचा 3, देन 4 5 यहां पर है 6 एंड 7, तो ये टर्म यहां पर बचे। अब इन टर्म्स के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे इसी तरह से, 3 का इक्विवेलेंट जैसे यहां पर हम लिखें, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू m3 m4 m6 एंड m7। अब इसी तरह से या तो आप टेबल में चेक कर सकते हैं कि ये m3 के लिए ये कॉम्बिनेशन है, m4 के लिए ये है, m6 के लिए है, m7 के लिए ये। यदि ये नहीं देखना आपको, इसका आइडिया नहीं है, तो हम इस 3 का इक्विवेलेंट लिखेंगे यहां पर, 3 का इक्विवेलेंट क्या होता है 011, 4 का इक्विवेलेंट 100, 6 का इक्विवेलेंट 110, 7 का इक्विवेलेंट 11। अब इसके लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, बेसिकली 011 के लिए हमें पता है कि पॉस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है और इसमें जीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल नंबर से, सो ये यहां पर क्या आएगा a आएगा और यहां पर क्या है 1 है, तो 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं बार, तो प्लस b बार, फिर 1 है तो प्लस c बार, तो ये 011 का ये रिप्रेजेंटेशन है a प्लस बी बार प्लस सी बार, ये देखो ए प्लस बी बार प्लस सी बार, तो इससे आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर ये 1 है, 1 के लिए हमें पता है कि हम बार यूज करते हैं यहां पर, देन प्लस 0 के लिए बी प्लस सी, उसके बाद 110 है यहां पर, तो 1 के लिए हमें पता है कि ए बार, उसके बाद प्लस बी बार और 0 के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर सी, देन तीनों 1-1 है तो यहां पर क्या आ जाएगा a बार प्लस b बार प्लस c बार इस तरह से। तो ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, दिस इज वैल्यू फॉर a b c कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम इसका डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यहां पर दोनों तरफ हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट डबल आ जाएगा और इस पूरे पे हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे यहां पर a प्लस बी बार प्लस सी बार एज इट इज लिखेंगे हम, a बार प्लस बी प्लस सी, a बार प्लस बी बार प्लस सी, a बार प्लस बी बार प्लस सी बार हमने एज इट इज लिख दिया और इस साइड कॉम्प्लीमेंट किया तो इसका भी हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया इस तरह से। अब इस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करेंगे, ये मैक्स टर्म है, ये मैक्स टर्म है, ये मैक्स टर्म है, ये मैक्स टर्म है, तो इसको यहां से हम ब्रेक करेंगे, यहां से ब्रेक करेंगे, यहां से ब्रेक करेंगे और यहां पर ये जो है यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, डॉट का साइन है, तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इंडिविजुअल बार यहां पर आ जाएगा ब्रेक होने के बाद, तो इसको हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी बार प्लस सी बार
यहां पर ये होल कॉम्प्लीमेंट इसका। उसके बाद ए बार प्लस बी प्लस सी और ये ब्रेक होने के बाद जो बार आया यहां पर होल कॉम्प्लीमेंट इस तरह से। इसका यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यदि मल्टीप्लीकेशन हो तो, डी मॉर्गन्स थ्योरम है ये। तो यहां पर क्या बचा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ये ब्रेक होके, ये यहां पर मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स हैं इस तरह से इन मैक्स टर्म्स के। अब फिर से हम डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करके इस टोटल कॉम्प्लीमेंट को हम ओपन सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर ये यहां से ब्रेक हो जाएगा यहां से, और ये प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ब्रेक होने के बाद ए के ऊपर बार आएगा और प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा, बी के ऊपर बार है यहां पर तो डबल बार आ जाएगा, उसके बाद प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी का डबल बार आ जाएगा इस तरह से। फिर प्लस का निशान एज इट इज आ जाएगा। अब ये यहां से इस तरह से ब्रेक करेंगे हम, तो ए बार ऑलरेडी है, एक ब्रेक होने के बाद यहां पर आया डबल बार और इस प्लस का निशान क्या रह जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। देन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट एक यहां पर आ जाएगा, देन प्लस सी और एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, सॉरी दिस इज मल्टीप्लीकेशन हियर। प्लस उसी तरह से अब यहां पर ये यहां यहां से ब्रेक होगा तो ये डबल बार आ जाएगा यहां पर, ए डबल बार, इस प्लस का डॉट बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और बी ऑलरेडी एक बार है फिर डबल बार, देन डॉट सी बार इस तरह से। ये प्लस एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहां पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, सिर्फ मैक्स टर्म्स पे हमने किया है। तो ये यहां से फिर से ब्रेक हो जाएगा, ये ए डबल बार प्लस बी डबल बार प्लस सी डबल बार। अब हमें पता है कि ये जो डबल बार है ये आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है ये, तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी यहां पर, एफ ए बी सी। अब इसको यदि हम चेक करें तो ये ए देन ए बार है यहां पर, और ये बी डबल बार क्या रह जाएगा, बी देन सी। अब यहां पर प्लस का निशान है, ये ए डबल बार आपस में कैंसिल होकर सिंपल वेरिएबल रह जाएगा, फिर बी बार देन सी बार प्लस, फिर यहां पर डबल कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ ये वेरिएबल रह जाएगा, डॉट बी डॉट सी बार प्लस, यहां पर तीनों डबल कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या आ जाएगा, ए बी और सी। अब ये हमारे पास जो अवेलेबल है ये क्या है, एसओपी फॉर्म है ये। एसओपी फॉर्म कैसे है कि ये सम है प्रोडक्ट्स का, सो दिस इज एसओपी फॉर्म। हमने इस पॉस फॉर्म को एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको यदि हम मिन टर्म्स के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो इसको हम डायरेक्टली देख लें, यहां पर जो ए बार है, सॉप फॉर्म के अंदर हम बार रिप्रेजेंट किसके लिए करते हैं, जीरो के लिए करते हैं, वहां लिखा हुआ है, और सिंपल नंबर वन के लिए। तो ये क्या रहा है यहां पर, जीरो वन वन, ये क्या है यहां पर, वन जीरो जीरो, ये क्या है यहां पर, वन वन जीरो, ये क्या है यहां पर, वन वन वन। तो ये नंबर्स आए हमारे पास जो हम एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो इसको हम यहां पर क्या लिखेंगे, दिस इज ये थ्री के इक्विवेलेंट है, दिस इज एम थ्री प्लस एम फोर के बराबर है ये, उसके बाद ये एम सिक्स है एंड दिस इज फॉर एम सेवन। सो इसको आप सिग्मा एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, थ्री फोर सिक्स सेवन। तो इस तरह से आप किसी भी पॉस फॉर्म को एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक वीडियोस हैं, बेसिक लेक्चर्स हैं जो आगे हमें यूज करने हैं डिजाइनिंग ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर, तो इनको आप ध्यान से करें। यदि हम बेसिक प्रॉपरली करेंगे तो आगे की वीडियोस, आगे के लेक्चर्स, आगे की थ्योरी हम प्रॉपरली कर पाएंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। यदि आपके कोई सजेशन है, कोई क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।